हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। तो दोस्तों, आप हो नंबर वन चैनल के ऊपर नंबर वन बच्चे, और मैं अपने बारे में कर क्या ही कहूं, आप दो शब्द मेरे बारे में कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जून पार्ट फोर की, है ना। जून मंथ का पार्ट फोर करंट अफेयर ये जो होगा, ये 2019 का करंट अफेयर है दोस्तों। जो हमारा यूपीएससी एज था उसकी सीरीज के अंदर पार्ट फोर ऑफ जून जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो जल्दी से आप बोल सकते हो। लेट स्टार्ट द क्लास, जल्दी से क्लास करते हैं स्टार्ट। सो एक बार जितने भी ग्रुप्स है यार, सब फटाफट सब में शेयर कर दो, बाकी बच्चों को बता दो, ताकि उनको पता चल जाए कि जो क्लास है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी है, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। गुड आफ्टरनून ज्योत्सना, गगनदीप, ममता, आकांक्षा श्रीवास्तव, चाहत, हिरांजन, निशा, सोनू, विनायक, रीमा, माही, ज्योत्सना कुमारी, सभी का स्वागत करता हूं यार मैं आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम आप लोग जानते हो, आप समझदार हो, काफी बढ़िया। चलिए दोस्तों, यूपीएससी सीएसई 2020 के लिए बहुत ही उत्तम क्लास है आपकी ये। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो दोस्तों, यूपीएससी में ना एक साल का करंट अफेयर आता है। दैट मींस अगर मैं May 31st मान के चलता हूं, अगर मैं डेट मान के चलू ना, सो एक साल का करंट अफेयर आएगा, मतलब अप्रैल 2019 से लेकर आपके पास आएगा कब तक, अप्रैल 2020 तक का करंट अफेयर आपके पास आएगा। सो इतना एक साल का करंट अफेयर आपको करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी रहेगा। किसमें? फॉर दोस्तों, फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। सो Sumit 10 ये मेरा कोड रहेगा दोस्तों, Sumit 10 कोड है। ये कोड का क्या मतलब होता है दोस्तों, जब भी आप अनअकैडमी के ऊपर जाके कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, वैसे इस किसी भी में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक यूपीएससी का जो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 92,000, बट अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो अभी आपके लिए 52,000 में है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, अगर सुमित 10 कोड लगाते हो तो यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 43,200, 43,200 रुपए में आप इस कोर्स को 2 साल के लिए अपना बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर रहेगी। यूट्यूब पर हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये 2020 के लिए प्रोग्राम था, यूपीएससी एज प्रीलिम्स के लिए। देखो 2021 के लिए फाउंडेशन कोर्स बहुत जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं दोस्तों, मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए। 2021 के लिए भी प्रोग्राम जो है वो आने वाला है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात मैं कर लेता हूं। देखो यूट्यूब पर दोस्तों आधार बनता है, इमारत यहां हम खड़ी कर रहे हैं, है ना। यहां पर आपके लिए प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मैं अवेलेबल कर रहा हूं दोस्तों आपको। जो बच्चा मेरे सुमित 10 कोड से अनअकैडमी में सब्सक्राइब करता है, जो बच्चा इस कोड को इस्तेमाल करता है दोस्तों, उसकी पूरी गाइडेंस की जिम्मेदारी मेरी, उसको एक एक स्टेप पे मैं गाइड करूंगा। कोई भी दिक्कत हो, पर्सनल आपके पास 24/7 मेरा एक्सेस रहेगा, कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हो, कभी भी कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हो। सो दोस्तों, जो बच्चा सुमित 10 कोड को इस्तेमाल करेगा उसको मैं पर्सनली क्या करूंगा दोस्तों, असिस्ट करूंगा, पर्सनली मैं उसको गाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, इससे संबंधित कोई भी आपको चर्चा हो आप मेरे को जो मेल आईडी में लास्ट में दूंगा क्लास पे, उस पे मेल कर सकते हो, खुद से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मुझे मेल भी कर सकते हो तो मैं आपको असिस्ट भी कर दूंगा। अगर आप मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरे को मेल डाल दो, ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं और फिर हम जो है अपनी प्रिपरेशन तैयारी जो है वो कर सकें दोस्तों। Sumit 10 मेरा कोड है, याद रखना। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए, और चाहिए डिस्काउंट किसी भी कोड से मिल जाएगा दोस्तों, बात है सपनों की, और सपनों की उड़ान में मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। सो गाइस प्लीज, मैं आपके साथ रहूं इसलिए आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों, Sumit 10। चलिए, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट हो ही रहा है, इसके अलावा आपको इंडियन ज्योग्राफी भी वहां पर मिलेगी, आपको वहां पर इकोलॉजी भी मिलेगी। इकोलॉजी का कोर्स जो है, अगर मैं बात करूं, ये सैटरडे संडे में वहां पर चल रहा है, ठीक है। कब कब चल रहा है? सैटरडे संडे में चल रहा है। चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों, पहला दैट इज कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट। ये कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है, ये कालेश्वरम नामक जगह के ऊपर है। दुनिया का सबसे ऊंचा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है ये, कुछ बातें बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, दिस इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, समझना, नाम समझना। मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज मतलब इसके मल्टीपल पर्पज है। इस प्रोजेक्ट से एक से ज्यादा काम किए जाएंगे। कोई भी मल्टीपर्पज जो आपको प्रोजेक्ट अगर नाम दिया जाए, दैट मीन्स उसके एक से ज्यादा क्या होंगे दोस्तों, पर्पज होंगे, उसके पर्पज अनेक होंगे। सो कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है, इट इज ऑल्सो अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज का मतलब क्या है? इसके मल्टीपल पर्पज है, इस प्रोजेक्ट के मल्टीपल पर्पज है।
दोस्तों क्या किया गया, मैं आपको बताता हूं, पानी को जो आपका ये नहर जो आप देख रहे हो ना, ये नहर ये धरती से सी लेवल से हाफ किलोमीटर लगभग 500 मीटर ऊपर उठाकर लिफ्ट, पानी को लिफ्ट करके दोस्तों तब ये कैनाल सिस्टम जो है ये डेवलप किया गया है ताकि फ्लो, अच्छा फ्लो जो है मेंटेन किया जा सके। ये प्रोजेक्ट किस रिवर पर है दोस्तों, गोदावरी रिवर पर है, कालेश्वरम नामक जगह के ऊपर है। दुनिया का सबसे ऊंचा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये दोस्तों। इससे पहले कोलोराडो रिवर के ऊपर था यूएसए के अंदर, बट अब उसने इसको भी पीछे छोड़ दिया है। ये कुछ बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये 2019 का, अगर मैं बात करूं करंट अफेयर का। सो कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट मैंने बताया कालेश्वरम नामक जगह पर है। और ये न्यूज में क्यों रहा था कि जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जो थे, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया था कब, 21 जून को। कब किया था दोस्तों, 21 जून को उन्होंने इसको इनोग्रेट किया था। सो दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज मल्टी पर्पज लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम द जुलाई। ये दुनिया की सबसे ऊंची बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जो जुलाई से आपका शुरू भी हो गई है। ओके, डिटेल में चलते हैं दोस्तों, किसने इसको बनाया। तो मैं अगर बताऊं तो एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका नाम है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो इसके लिए एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का पूरा जिम्मा जो था वो किसके पास था दोस्तों, भेल के पास था, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको ना शायद इसकी जो लोग इस बार यूपीएससी प्री में अपीयर होने वाले हैं उनको शायद पता नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर उनके लिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे, और 2021-20 के लिए, 2021 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, 2021 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो दोस्तों, जब भी आप जीएस तो पढ़ोगे ठीक है, लेकिन जीएस का इंप्लाइड पार्ट आपको एग्जाम में आता है। सो यहां से आप सीख जाओगे रिलेट कैसे करना है। सो 2020 और 21 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, तो आप इसको, मैं आपको एडवाइस करूंगा इसको अटेंड करें ठीक है। सो कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट हमने देख लिया, कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट का दुनिया का 21 जून को इनोग्रेट किया गया था तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रबाबू राव ने। दुनिया का ये मल्टी स्टेज प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये आपका हमारा जो सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो भेल है, उन्होंने इसको क्या किया था, इस प्रोजेक्ट की जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव एजेंसी वही है। ये गोदावरी रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया था कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, इसको हमने पानी को ना इसमें आधा किलोमीटर ऊंचाई तक उठा के तब हम दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया, ये याद रखना। इसका डिजाइन जो हमने क्यों बनाया, देखो 45 लाख एकड़ फॉर टू क्रॉप्स इन अ ईयर, लगभग 45 लाख एकड़ में एक साल में दो फसल को पानी पहुंचाने के लिए ये हमने ये प्रोजेक्ट जो है बनाया है। तेलंगाना स्टेट की लगभग 70% जो उसकी जरूरत है कृषि की, इरिगेशन की, सिंचाई की, उसको ये पूरा करेगा। द बिगेस्ट लिफ्ट स्कीम इन द वर्ल्ड वर कोलोराडो लिफ्ट स्कीम, पहले इससे पहले कोलोराडो लिफ्ट स्कीम थी अमेरिका में, और दूसरी थी आपका द ग्रेट मैनमेड रिवर इन द इजिप्ट। दो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी, याद रखना आपको दोस्तों। पहली जो थी वो कौन सी थी दोस्तों, कोलोराडो लिफ्ट स्कीम अमेरिका में, और दूसरी कौन सी थी दोस्तों, ग्रेट मैनमेड रिवर इन इजिप्ट। सो दोनों की दोनों स्कीम जो थी, ये दो बड़ी स्कीम थी हमारे पास, लेकिन अब जो है प्रेजेंटली जो है वो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे हाइट पर ऊंचा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये आपका रहने वाला है ठीक है। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत कोई टेंशन है तो बताओ फटाफट से। प्रीति प्रसाद 5 मिनट हाँ हो चुके हैं ठीक है यार, ऐसा नहीं है, देखो क्लास आप टाइम से, आप ये सोचा करो जब बन जाए थंबनेल तो आप एक बार जरूर चेक करो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास ना हो वो बाद की बात है, बट आपको क्लास में एक बार जरूर आके देखना चाहिए। क्यों यार, क्योंकि होता है कई बार लाइट वाइट नहीं आती तो नहीं हो पाती क्लास, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को करो। सो कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट आपका ठीक है, दुनिया का हाईएस्ट है आपके बार। इससे पहले जो था, दो प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं, कोलोराडो लिफ्ट स्कीम और दूसरा कौन सा था दोस्तों, ग्रेट मैनमेड रिवर ऑफ द इजिप्ट है ना। ये जो है आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, कालेश्वरम नामक जगह पर है और गोदावरी नदी के ऊपर बेसिकली इसको बनाया गया है। प्रेजेंटली कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इंडियन लिफ्ट स्कीम हैज बिकम द वर्ल्ड बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी, क्षमता के मामले में दुनिया का क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक ये रहेगा। ओके चलिए दोस्तों, ये बात कर लेते हैं। एक और है देखो, 17 जून की ये न्यूज है। आपको पता है पिछली बार आप जो मैं अगर बात करूं, अगस्त और सितंबर के अंदर में कॉप की मीटिंग होनी थी नोएडा के अंदर, कॉप की, उसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, यूएन
सीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट दी डेजर्टिफिकेशन, तो उसकी कॉप की मीटिंग होनी थी कहां पर आपका दोस्तों, नोएडा के अंदर, है ना, कि डेजर्टिफिकेशन से कैसे लड़ा जाए। अब जो यूएन सीसीडी जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, ये तीन जो आपकी रियो अर्थ समिट हुई थी ना उसमें तीन थी। एक तो पहला रियो अर्थ समिट में क्या निकल के आया था आपका, यूएन ट्रिपल एफ सी, यूएन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, दूसरा क्या था दोस्तों आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD, और तीसरा क्या था दोस्तों यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। सो ये तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन थी जो किसमें आई थी आपका दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुई थी, रियो समिट जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं ना 1992 में। आप देखो ये एक के भी याद नहीं होगा, है ना, अब याद हो भी कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा थोड़ी ना, और पढ़ भी लिया तो भी याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा, क्योंकि अप्लाइड पार्ट करना बहुत जरूरी है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना सोचना पड़ेगा। अब आपको, मैं तो सोच पा रहा हूं, मुझे तो पता है ये सारी चीजें, अब आपको नहीं पता। 1992 में रियो के अंदर एक समिट हुई थी जिसका नाम है अर्थ समिट, है ना। उस अर्थ समिट में तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन बाहर आई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको हम बोलते हैं UNFCCC, दूसरा था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, और तीसरा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट भारत सरकार ने एक अनाउंसमेंट की थी, क्या की थी कि भारत सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है दोस्तों, पांच अलग अलग स्टेट के अंदर। इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इन द फाइव डिफरेंट स्टेट। भारत ने बोला था कि भैया पांच राज्यों के अंदर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, वी वांट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इन द फाइव डिफरेंट स्टेट, एंड दैट्स व्हाई हम ये पांच स्टेट के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, रिटायरेटिंग इट्स कमिटमेंट टू फाइट द डेजर्टिफिकेशन, इंडिया हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप इन द फाइव स्टेट ओवर द नेक्स्ट 42 मंथ। मरुस्थलीकरण से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारत ने अगले 42 महीनों में पांच राज्यों के निचले वन परिदृश्यों को बहाल करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू कर दी है। एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, बता देता हूं। It aimed to enhance the capacity on the forest landscape restoration. इसका उद्देश्य टिकाऊ भूमि प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करना है और उन्हें अनुकूलन बनाने के लिए और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कुछ निगरानी प्रोटोकॉल लागू करके वन पारिदर्श्य बहाली, ठीक है, पर क्षमता को बढ़ाना है दोस्तों। इट एम्स टू एनहांस द कैपेसिटी ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन बाय डेवलपिंग एंड अडेप्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखो दोस्तों, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमें अडॉप्ट करना है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को हमें अपने स्थान पर लगाते हुए हमें डेजर्टिफिकेशन से लड़ना है दोस्तों। हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट और बहुत सारी अन्य मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल के द्वारा हमें डेजर्टिफिकेशन से क्या करना है दोस्तों, लड़ना है। वी हैव टू लाइक फाइट दिस, वी हैव टू कॉम्बैट दिस डेजर्टिफिकेशन, मेंसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। डिटेल में चलते हैं दोस्तों। ये प्रोजेक्ट जो भारत ने लॉन्च किया था पांच राज्यों में कि वो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करेंगे हम, वो हमने किसके साथ मिलकर किया था पता है आपको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के साथ मिलकर हमने ये संस्था स्टार्ट किया था। कौन से पांच स्टेट इसमें शामिल थे, तो दोस्तों हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक। नागालैंड एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था दोस्तों, कर्नाटक का। साउथ में अगर मैं बात करूं तो कौन था आपका, सॉरी, नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, साउथ में बात करूं तो कर्नाटक का। सेंट्रल से अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश, वेस्टर्न साइड से अगर बात करूं तो कौन सा था आपका दोस्तों, महाराष्ट्र, और नॉर्दर्न स्टेट से बात करूं तो आपका द ग्रेट ग्रेट श्री हरियाणा। तो ये पांच स्टेट थे दोस्तों जो अपने बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वॉल्व थे। मैंने बताया था ये अनाउंसमेंट जस्ट पहले आई थी दोस्तों, किसके 14th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पैरिटीज, कॉप की जो मीटिंग हुई थी उससे जस्ट पहले ये आपका जो अनाउंसमेंट थी ये आई थी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियाज, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट को लेके हमारे क्या टारगेट्स हैं। हमने अलग अलग प्रोटोकॉल्स के तहत, हमने अलग अलग कन्वेंशन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हम पे बाध्य है उनके तहत हमने क्या क्या प्रोटोकॉल्स जो हैं, क्या क्या उसके अंदर हमने टारगेट्स जो हैं वो सेट किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC सबमिटेड अंडर द नेशनल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन द क्लाइमेट चेंज UNFCCC, इंडिया हैज प्लेस टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ द CO2 इक्विवेलेंट थ्रू द एडिशन फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। बात समझ में आई नहीं आई, चलिए
अकॉर्डिंग टू द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एनडीसी के अनुसार अगर मैं बात करूं, जो भारत ने पेरिस क्लाइमेट चेंज जो हुआ था, पेरिस समिट जो हुई थी उसके तहत भारत ने जो UNFCCC के अंदर रखा था, तो भारत ने उसमें बोला था कि भारत एक एडिशनल कार्बन सिंक बनाएगा। कार्बन सिंक समझते हो ना, तो जो कार्बन को सोख सके। कितने का हमने बताया था कि उनको बोला था, वहां पर हमने प्लेज किया था, खुद का हमारा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन था, हम पे कोई दबाव नहीं था। हमने बोला था 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट्स में से कम हो जाए, सिंक हो जाए, उसके लिए हम फॉरेस्ट कवर जो है, हम ट्री जो है वो प्लांट करेंगे 2030 तक। देखो दोस्तों, आपको सभी को पता है फॉरेस्ट क्या करता है। दोस्तों फॉरेस्ट जो है अपनी रेस्पिरेशन एक्टिविटी, अपना खाना बनाने के लिए फॉरेस्ट को जरूरत होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड किसकी आपका दोस्तों, सनलाइट की। उसी से पौधा क्या करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस वो अपना खाना बना लेता है। अब आपको बात समझनी पड़ेगी यहां पर, और समझनी क्या पड़ेगी दोस्तों, यहां पर बात यही है, सिंपल साधारण सरल बात है आपकी, कि अगर हम पेड़ लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है दोस्तों, एनवायरमेंट से कम होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बन सिंक, कार्बन को सोख लिया जाएगा। और कितनी कार्बन सोखने के लिए हम पेड़ लगाएंगे, 2.5 से लगभग 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो है हम खत्म करेंगे एनवायरमेंट से, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका पेड़ पौधे जो है वो हम लगाएंगे। ओके, द प्रोजेक्ट इज द पार्ट ऑफ द बोन चैलेंज। ये प्रोजेक्ट जो है वो बोन चैलेंज का भी एक पार्ट है, बोन चैलेंज इसी के ऊपर है, टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन व्हिच हैज अंडरटेकन बाय द इंडिया इन 2015। इंडिया ने इसको 2015 में इस बोन चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। इसके अंदर भारत ने कहा था कि वी विल रिस्टोर 30 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड एंड डीफॉरेस्टेटेड लैंड बाय 2020 एंड अनदर 8 मिलियन हेक्टेयर बाय द 2030। हमने कहा था कि 2015 में हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, जिसमें हमने बोला था कि 2020 तक तो हम 13 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड, जो एकदम नष्ट हुई, जो खराब हो चुकी भूमि है, उसको हम दोबारा से रिस्टोर करेंगे, और 2030 तक हम और 8 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको हम रिस्टोर कर देंगे। बात समझ में आ रही है, ये हमने वहां पर प्लेज ली थी। वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम टू इलिमिनेट द टीबी, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, दिस इज द वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम टू इलिमिनेट द टीबी। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने बोला कि मैं तुम्हें 400 मिलियन डॉलर का क्या देता हूं, मैं लोन देता हूं। ठीक है, किसने बोला, वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने बोला, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की जो संस्था है, जो उसकी जो वर्ल्ड बैंक के अंदर में काम करती है, सब्सिडरी बॉडी है उसकी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसने भारत सरकार के साथ में एक लोन एग्रीमेंट पे साइन किया। लोन एग्रीमेंट था 400 मिलियन डॉलर का। ठीक है, इस 400 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट क्यों साइन हुआ, भारत से किस प्रकार से टीबी को इलिमिनेट किया जा सके, तो जो भारत उसके लिए जो प्रोग्राम चला रहा है उसमें ये सपोर्ट करेगा, उसमें ये सहयोग करेगा। ये प्रोग्राम कितने दिनों के लिए था दोस्तों, तो मैंने बताया आपको, इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ 400 मिलियन डॉलर विद द वर्ल्ड बैंक टू हेल्प द ट्रीट एंड इलिमिनेट द ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द कंट्री। कि भारत में जो तपेदिक, टीबी को हिंदी में बोलते हैं तपेदिक, के इलाज और उपचार में मदद की जा सके, इसीलिए विश्व बैंक ने भारत के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये जो ऋण होगा, ये जो लोन होगा, ये भारत को कितने सालों के लिए मिला पता आपको, 19 साल तो पीरियड है, प्लस 5 साल का भारत को ग्रेस पीरियड दिया है, कि 19 और 5 कुल मिला के 24 साल में भारत को ये जो लोन का पैसा है ये वापस देना है। बट इसका पर्पस क्या है दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, टीबी को क्या करना है, हमें हराना है। टीबी को दोस्तों क्या करना है, अपने को इलिमिनेट करना है। चलिए, द प्रोग्राम एम्स टू इंप्रूव द कवरेज एंड क्वालिटी ऑफ द टीबी कंट्रोल इंटरवेंशन इन द 9 स्टेट। देखो दोस्तों, इस प्रोग्राम का एम क्या था, भारत के 9 राज्यों के अंदर, अब देखो नॉर्मल पेपर में आ जाएगा, बताओ वर्ल्ड बैंक ने जो अभी लोन एग्रीमेंट किया था, लोन एग्रीमेंट साइन किया था भारत के साथ 400 मिलियन डॉलर का, बताओ उसका टारगेट क्या है, पूरे भारत से टीबी को इरेडिकेट करना तो नहीं दोस्तों। ये भारत पूरे भारत से नहीं था दोस्तों, ये सिर्फ कितने से था, भारत के आपके 9 राज्य हैं जो इसके अंदर आते हैं। इट द प्रोग्राम एम्स टू कवरेज द टीबी इन द 9 स्टेट कौन से दोस्तों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, असम एंड तमिलनाडु। ठीक है, आप यहां पर देखोगे तो कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है एक्सेप्ट दिस आसाम। आसाम एकमात्र स्टेट है यहां पर, मतलब हम मान के चल सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही कम होती है, ऐसा मान सकते हैं। श्री हरियाणा भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इट विल सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान टू एंड द टीबी इन इंडिया बाय 2025। देखो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक काम तो कर ही रहा है, और वो काम क्या है आप लोग जानते ही हो। ठीक है, वो काम क्या है दोस्तों, वो काम ये है कि भारत को लोन दिया हुआ है ना। दूसरा, जो भारत का खुद का प्रोग्राम है ना, भारत ने भी तो लॉन्च किया हुआ है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान टू एंड द टीबी बाय 2025। भारत ने भी खुद एक प्लान बनाया हुआ कि 2025 तक टीबी को हम खत्म कर देंगे भारत से। सो ये उसको भी क्या करने वाला है दोस्तों, आपका सपोर्ट
इम्पैक्ट करने वाला है। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है टू एंड द टीबी, उसमें भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। दिस प्रोग्राम विल इवन हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द निक्षा। ये एक याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। निक्षा एक वेब पोर्टल थी जो भारत सरकार ने बनाई थी, इंप्लीमेंट की थी। किसके लिए दोस्तों? ये वेब पोर्टल बनी थी ताकि भारत सरकार टीबी बेस्ड केस जो है उनको मॉनिटर कर सके। टीबी के कितने केस भारत में आ रहे हैं, वर्तमान में कितने चल रहे हैं, है ना, कितने खत्म हो चुके हैं, तो वो जो पूरा सिस्टम है ना उसको मॉनिटर किया जा सके। इसीलिए एक वेब बेस्ड जो एक वेब बेस्ड आपका मॉनिटरिंग सिस्टम जो था वो लॉन्च किया गया था। उसका नाम दोस्तों क्या है? निक्षा। क्या नाम है दोस्तों? याद रखेंगे आप ये, निक्षा। सो निक्षा जो है दिस इज नथिंग बट इट इज अ वेब बेस्ड मॉडल, ठीक है। दिस इज वेब बेस्ड, क्या है आपका? टीबी केस मॉनिटरिंग सिस्टम। समझ में आ रही है बात? यस और नो? ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। सो इट विल सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान टू एंड द टीबी इन 2025। समझ में आ गई बात? चलो, भारत सरकार के साथ $400 बिलियन का लोन साइन कर लिया। किसने? आपका वर्ल्ड बैंक ने, आईबीआरडी, मैंने बता दिया उसकी संस्था ने। और पर्पस क्या है कि भारत में से किस प्रकार से, भारत के 9 राज्यों में से आपकी जो टीबी कवरेज और टीबी क्वालिटी का जो टीबी कंट्रोल और जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं उनकी कवरेज को बेहतर बनाना, ठीक है। चलो, इसकी स्ट्रेटजी क्या है इस प्लान की? $400 मिलियन जो है वो कहां पर इस्तेमाल होंगे, क्या प्लान की स्ट्रेटजी रहेगी, क्या काम होगा दोस्तों, देख लेते हैं। टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर केयर प्रोवाइडर फॉर रिपोर्टिंग केसेस ऑफ टीबी एंड एंश्योरिंग दैट देयर पेशेंट्स कंप्लीट द ट्रीटमेंट रिजीम, ठीक है, बात समझ में आई। टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग हो, पहली बात तो रिपोर्टिंग हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि टीबी के मामलों को रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा, लोगों को टीबी है और पता ही नहीं है। सो पहला क्या है? टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, भाई ऐसे बंदे जो टीबी के बारे में बताएंगे उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे, समझ में आ रही बात, ताकि टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग जो है वो बढ़े, है ना, लोग ज्यादा जागरूक हो, लोग ज्यादा जाके कम बताएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, पहली बात, तो टीबी डिटेक्ट हो सके। दूसरा, टू प्रोवाइड द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द पेशेंट्स फॉर एक्वायरिंग द क्रिटिकल न्यूट्रिशनल नीड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। देखो, जो टीबी का पेशेंट होता है ना उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, उसको अच्छा खाना पीना, ठीक है, एक अच्छी गुड प्रोटीन रिच डाइट जो उसको वो देनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT किया जाएगा, और वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किया जाएगा टू अक्वायर द क्रिटिकल न्यूट्रिशनल नीड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, वो भी इसी प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। टू स्ट्रेंथन द डिटेक्शन ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस एंड ट्रैक द प्रोग्राम ऑफ द डिटेंशन द एडिशनल ड्रग रेजिस्टेंट। देखो दोस्तों, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या होती है? एक ऐसी टीबी बन जाती है, टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। एक दवाई आप खा रहे हो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, प्रतिरोध उत्पन्न कर लेंगे। होगा क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आप कुछ भी कर लो, उन बैक्टीरिया पे फर्क ही नहीं पड़ेगा टीबी के में, समझ में आ रही बात। तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो हमें पता लगाना है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, सिंगल ड्रग रेजिस्टेंट है। मल्टी ड्रग का मतलब क्या होता है कि कई प्रकार की दवाई दे लो आप, टीबी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ओके। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान NSP 2017-15, ये भारत सरकार का खुद का प्लान है, राष्ट्रीय, ठीक है, सामरिक योजना, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-2025। 2017 में हमने लॉन्च किया था, 25 तक हमारा टारगेट है, इसको पेल देंगे, टीबी खत्म कर देंगे हम, ठीक है। सो द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो था इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इंडिया टू सेट आउट द व्हाट द गवर्नमेंट बिलीव नीडेड टू इलिमिनेट द टीबी। देखो, और भारत सरकार को क्या लगता है किस प्रकार से टीबी खत्म की जाए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम था जिसका नाम था नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-2025 तक, ये था आपका, ठीक है। NSP 2017-2025 declared that the activity and intervention that the government of India believes will bring about the significant change in the incidence, prevalence and the mortality of the TB. ठीक है दोस्तों, NSP जो है डिस्क्राइब द एक्टिविटी, ये ऐसे प्रोग्राम लेके आएंगे दोस्तों, हम इसके तहत ऐसे ऐसे काम हम करेंगे जिससे फर्दर जो है दोस्तों ना तो टीबी की प्रिवलेंस आगे बढ़े, मतलब आगे टीबी भी ना बढ़े, टीबी से जो मृत्यु है वो भी कम हो जाए, टीबी के जो एक्टिव केस हैं उनको भी क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इससे टीबी के प्रसार, उसके मृत्यु दर और जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें बदलाव लाया जा सके, इसलिए भारत सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके विजन और गोल क्या है आपको बताऊंगा तो आश्चर्य होगा। द विजन है इंडिया को टीबी फ्री करना है, जीरो डेथ डिजीज
एंड पॉवर्टी ड्यू टू द ट्यूबरक्लोसिस. भारत में इस डिजीज से मृत्यु 0% हो, कोई भी आदमी टीबी से ना मरे, ये हमारा प्राथमिक क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा. ठीक है, विजन है हमारा. गोल क्या है दोस्तों, टू अचीव द रैपिड डिक्लाइन इन द बर्डन ऑफ द टीबी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ द टीबी इन 2025. देखो 2025 तक तो टीबी को हमें खत्म करना ही करना है, लेकिन 2025 से पहले भी हमें जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है, जो लोग टीबी से बीमार हो रहे हैं, संक्रमण जिनमें हो रहा है और जिनकी मृत्यु हो रही है, उस रेट को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है. ये हमारा उद्देश्य रहा है. द रिक्वायरमेंट्स फॉर मूविंग टुवर्ड्स द टीबी एलिमिनेशन इन द इंडियाज हैव बीन अरेंज्ड इन द फोर स्ट्रेटेजिक एरिया. ठीक है, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड. भारत में टीबी उन्मूलन की ओर बढ़ने की आवश्यकताओं को डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और बिल्ड, चार रणनीति क्षेत्रों के अंदर इसके अंदर व्यवस्थित बेसिकली आपका किया गया है. पूरा प्रोग्राम चार पिलर के ऊपर डिपेंड करता है. क्या क्या दोस्तों, डिटेक्ट, पहले तो टीबी को डिटेक्ट करो, दूसरा उसको ट्रीट करो, तीसरा उसको प्रिवेंट करो, होने से रोको, और चौथा उसको बिल्ड करो. ठीक है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ये बात आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों. गुजरात पहली स्टेट बनाया भारत के अंदर. देखो वैसे तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एमिशन ट्रेडिंग होती है. एमिशन ट्रेडिंग क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर होती है. आपको याद हो, ठीक है, आपको याद हो क्योटो प्रोटोकॉल. तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था उसने पहली बार एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो अपने स्थान पर उसको पुट किया था. एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्या, अभी क्योटो प्रोटोकॉल जब हम क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे ना तो उसमें आप बहुत बखूबी देखोगे कि क्या होता है. सो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ETS की अगर मैं बात करूं तो ETS होता है, बट वो ग्लोबल स्केल पे होता है, इंटरनेशनल स्केल पे होता है, हमारे स्टेट लेवल स्केल पे नहीं होता. तो गुजरात एक पहला ऐसा स्टेट बन गया दोस्तों जिसने स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल के ऊपर एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम स्कीम जो है लॉन्च कर दी है. क्या है, देखो बेसिकली सूरत में लॉन्च की है. सूरत के अंदर काफी सारी कपड़ा बनाने की जो फैक्ट्री है, मिल्स हैं, वो सूरत के अंदर है. तो वहां पर क्या है दोस्तों, हवा के अंदर पार्टिकुलेट मैटर है बहुत सारा. ठीक है, PM 2.5 एंड PM 10, मैंने बताया था पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है. सो पार्टिकुलेट मैटर के बारे में हमने बात किया था, पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पीएम 2.5 बहुत हैजार्डस है. वैसे पार्टिकुलेट मैटर के अंदर फ्लाई ऐश भी आता है, लेड भी आता है. ठीक है, वो सब भी उसी के एक पार्ट होते हैं. बट हमने आपको बात किया था कि पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है. सो ये लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल होता है जो हवा के अंदर तैर रहा होता है. ठीक है, और आप जब सांस लेते हो तो आपके सांस में फेफड़ों में चला जाता है और उसके लिए बहुत ज्यादा फिर से प्रभाव, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर. और अगर मैं बात करूं तो पार्टिकुलेट मैटर के द्वारा जो हेल्थ बर्डन है वो बहुत ज्यादा है. जो ट्रांसमिट, जो आपके कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, जैसे HIV, ठीक है, इनसे TB, इनसे भी ज्यादा जो है आपका जो बीमारी है वो सारी की सारी किससे हो रही है दोस्तों, आपका इस एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, पार्टिकुलेट मैटर की वजह से हो रही है. So, गुजरात ने क्या किया, गुजरात ने सूरत वाले इलाके में इसको लॉन्च किया. तो क्या किया जाएगा पता है आपको, पहले एक बड़ा सा जो इंडस्ट्रियल हब है जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा. वहां पर कैप एंड ट्रेड सिस्टम होगा. कैप एंड ट्रेड का मतलब क्या होता है पता है, हर कंपनी को अलॉट कर दिया जाएगा, भैया इतनी कार्बन डाइऑक्साइड तुम एमिट करनी है. बात समझना, एक कंपनी है मेरे पास ए, मैं इसको कह दूंगा पता है क्या, तेरे को 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करनी है. एक साल के अंदर 10 टन से ज्यादा तू कर नहीं सकता है. ठीक है, अगर इसने 10 टन से ज्यादा कर दी, सपोज इसने 20 टन कर दी, तो ठीक है, अब जो इसने ज्यादा की ना, 20 टन की है, इसके लिए इसको 10 टन क्या करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी. पहली बात समझना. और हो सकता है ये 5 ही टन करें, भाई अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो इस केस में इसको 5 सरप्लस हो गया और इस केस में इसको क्या हो गया दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों, माइनस में 10 चला गया. सो जब माइनस प्लस में होगा तो इसको क्या कर सकता है दोस्तों, ये सेल कर सकता है. और जब माइनस में जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपका परचेज करना पड़ेगा. और उसी के मार्केट मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम. ठीक है, सो द एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ETS वॉज डिजाइन बाय द गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलॉन्ग विद द टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो द इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर. ये पढ़ लेना किस किस ने मिलकर लॉन्च किया है. ओके, आगे बढ़ू, चलो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही. एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, एक मार्केट बेस्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर गवर्नमेंट ना कुछ टारगेट सेट करती है और कैप कर देती है. कैप मतलब भाई, अब मैंने बताया ना, जैसे मैंने बोल दिया 10 टन, तो मतलब 10 टन. अब एक कंपनी है, मैंने बताया 10 टन की कैप है, तो मान के चलो अगर 5 टन करती है और यही एक कंपनी है दूसरे टाइम पे, सपोज करते हैं कितना कर देती है, ये 20 टन कर देती है. तो जब 5 टन करेगी तो इसके पास प्लस 5 रहेगा, तो इस प्लस 5 को ये बेच सकती है, सेल कर देगी. सेल कर देगी तो इससे क्या आएगा दोस्तों, रेवेन्यू आएगा.
और ये है इस केस में देखो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस टेन हो गया ना, दस कम पड़ रहे हैं, दस अधिक कर दिए तो माइनस टेन। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, परचेज करना पड़ेगा। ये परचेज और सेल कहां पर होगा, ये मार्केट में जाके होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज अ मार्केट बेस्ड स्कीम। ओके, ग्लोबली द कैप एंड ट्रेड सिस्टम हैज बीन यूज्ड टू रिड्यूस द फॉर्म ऑफ द एमिशन सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड इन द यूएस। देखो ग्लोबल स्तर पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल लेवल पर इसका सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ऐसी बात नहीं होता है। अगर मैं बात करता हूं सल्फर डाइऑक्साइड का या नाइट्रस ऑक्साइड का, SO2 और NO2 के लिए यूएस में भी इसका इस्तेमाल होता है कि हमें एनवायरनमेंट से, एयर से किस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को कम करना है, इसके लिए होता है। लेकिन भारत का ये फेमस क्यों है दोस्तों, भारत का ऐसा इसमें खास बात क्या है, कहीं पर भी दुनिया में पार्टिकुलेट एयर मैटर जो आपके PM 2.5 और PM10 जो है इसके लिए कहीं पर भी नहीं किया जाता, तो ये इस प्रोग्राम को क्या बनाता है, खास बनाता है। याद रहेगा कितने बच्चों को, याद रहेगा जल्दी बताओ, नूरजहां सभी को याद रहेगा, अंकुर सभी को, माँ कसम है जल्दी से बताओ, जो झूठ बोलेगा चलते हुए पंखे में गर्दन दे दूंगा, बट पंखा ही नहीं चल रहा चलाऊंगा, गर्दन कहां से देंगे आपकी। आज देखो लाइट आपके साथ दी हुई है, बिल्कुल आपके साथ बनी हुई है और लाइट बिल्कुल जा नहीं रही है ना, पढ़ाया ना वंदना, चलो ठीक है आपने पढ़ाया तो आपको क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये भी न्यूज हमारी कंप्लीट होती है। नाउ कम टू द राइस फोर्टिफिकेशन, राइस फोर्टिफिकेशन के ऊपर क्या है, चलो बात इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो राइस फोर्टिफिकेशन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर फोर्टिफिकेशन क्या होती है। इस पूरे न्यूज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रोसेस विच इज नोन एज फोर्टिफिकेशन, है ना, फोर्टिफिकेशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो पढ़ लेते हैं। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज अप्रूव्ड द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम ऑन द फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चावल के किलेबंदी नहीं होगा यार, फोर्टिफिकेशन का मतलब अभी मैं समझाऊंगा, नियोजित चावल के ऊपर जो है एक एक पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट जो है आपका स्टार्ट होगा तीन साल तक रहेगा, स्टार्ट होगा 2019-20 से, है ना, और ये 15 डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करेगा वगैरह वगैरह, फालतू की बात है। ठीक है, ये भी फालतू की बात है। अब ये देखो समझो क्या है, फोर्टिफाइड राइस आर कंटेंट विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन एंड जिंक। देखो नॉर्मल जो चावल होता है ना, आजकल क्या हो रखा है यार, आजकल हमें फसल चाहिए ज्यादा, खाद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और खाद भी केमिकल फर्टिलाइजर होता है, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, पता नहीं कौन कौन सी साइड इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है दोस्तों, चावल जो है ना, जब कोई भी फसल जो है उसके जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट है ना उनकी मात्रा कम हो जाती है। चावल में वैसे भी विटामिन ए, विटामिन B1, ये बहुत नॉर्मल मात्रा में अगर आप चावल देखोगे ना तो उसमें बहुत कम मात्रा में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक, ये बहुत कम मात्रा में होता है, ऐसे होता नहीं है उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, एक तो कम मात्रा में होता है, ऊपर से तो हम ये वीडीसाइड हर्बिसाइड, ये तो उसमें हम और पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं, पॉल्यूटेंट बहुत और खराब हो जाता है। और चावल ना भारत में अगर मैं बात करूं, भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिसमें चावल बहुत खाया जाता है, ये बिहार में अगर मैं बात करूं तो चावल के बिना बात ही नहीं होती, मतलब रोटी मतलब चावल। हरियाणा में ऐसा नहीं है, हरियाणा में रोटी के बिना काम नहीं चलता, लेकिन बिहार में ऐसे ही चावल के बिना काम नहीं चलता, मतलब चावल चाहिए ही चाहिए दोनों तीनों टाइम। ठीक है, सबसे ज्यादा चावल वहां पे, और फिर उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल में बात करूं वहां भी चावल, सदर्न स्टेट के अंदर तो भी वहां पे राइस। तो राइस जो है ना यार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है, बहुत लोग खाते हैं, है ना, तो बहुत लोग खाते तो है, इतना इसमें न्यूट्रिशन होता नहीं है, समझ रहे हो, खाते बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशन होता नहीं है, कैलोरी ज्यादा होती है, पेट निकल जाता है। ठीक है, पेट निकाल के घूमते हैं हम फिर। सो चावल में नेचुरली विटामिन न्यूट्रिएंट इतने अधिक होते नहीं है, तो हम एक प्रोसेस करते हैं, उससे हम उस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, हम इनमें इन विटामिन को, हम इनमें इन फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक की मात्रा को बढ़ा देते हैं, हम ये आर्टिफिशियल करते हैं हम बाहर से, बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ठीक है, अब इस ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट है ना उसमें हम 90% सेंट्रल सरकार सहायता करेगी और बाकी राज्यों में सरकार 75% सहायता करेगी। फोर्टिफिकेशन मैंने बताया ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट, ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से पढ़ लो, व्हाट इज फोर्टिफिकेशन।
सर फोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ एन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन मिनरल. फोर्टिफिकेशन एक भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पदार्थों तत्वों अर्थात विटामिन तथा खनिज की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाने की एक योजना एक अभ्यास होता है. मतलब फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों? फोर्टिफिकेशन की इस प्रक्रिया के अंदर हम जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के हम क्या करते हैं दोस्तों, विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उनकी मात्रा को बढ़ा देते हैं. ठीक है. अच्छा कौन सेट करेगा, भारत के अंदर कौन है जो फोर्टिफिकेशन को उन पर नजर रखेगा? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI has formulated a comprehensive regulation on fortification of the foods, namely food safety and standard fortification of the food regulation 2016. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों की किलेबंदी या फोर्टिफिकेशन पर एक व्यापक विनियमन तैयार किया जिसका नाम क्या है दोस्तों? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन एक्ट 2016. समझ में आई बात या नहीं आई? आगे चलिए ड्रैगन फ्लाई की बात करते हैं. ये ड्रैगन फ्लाई क्या है? जैसा नाम है वैसा ही काम है दोस्तों. आपने सुना नाम उसका, मैं बात करूं आपका मून का. मून क्या है? पृथ्वी का चंद्रमा है मून. मतलब पृथ्वी का क्या है दोस्तों? अर्थ ग्रह है, उसकी एक सैटेलाइट है मून, है ना. तो ऐसे अगर मैं बात करूं अर्थ की सैटेलाइट है मून, चलो ठीक है ये बात तो हमने मान ली. ऐसे बहुत सारे और भी ग्रह हैं उनकी सैटेलाइट. मतलब मैं ज्योग्राफी हम पढ़ाते हैं तो मैं बताता हूं कि हर का सबकी ना गर्लफ्रेंड होती है. जैसे अर्थ है उसकी गर्लफ्रेंड क्या है दोस्तों? मून है. ऐसे ही चंद्रमा आपके पास आता है मार्स, मार्स की भी गर्लफ्रेंड है अपनी, है ना. क्या क्या नाम है? फोबोज, डीमोज, मोमोज, है ना. इस प्रकार से अलग अलग इसकी भी गर्लफ्रेंड अपने की. मोमोज नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, फोबोज एंड डीमोज ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. तो ऐसे ही जो है ना दोस्तों टाइटन जो है ये भी आपका क्या है? सैटर्न का सबसे बड़ा एक सैटेलाइट है. सैटर्न मतलब शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है ये. तो यूएस स्पेस एजेंसी, अब इनमें से भारत की तो एक ही, सॉरी अर्थ की तो एक ही गर्लफ्रेंड है, लॉयल आदमी है, लेकिन चंद्रमा ये जो मार्स है दो दो रखता है. ऐसे ही शनि और ये जो है आपका जुपिटर, ये सबसे अय्यास है यार, इनकी बहुत बहुत गर्लफ्रेंड है. ठीक है, मतलब कई कई गर्लफ्रेंड है इनकी. सो टाइटन जो है इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न. और उसी पर जो टाइटन जो है, जो चंद्रमा है किसका दोस्तों? आपका शनि ग्रह का. उसी के ऊपर जीवन की खोज. ठीक है, चांद पे आप जीवन की खोज कर रहे हो चलता है, आप जीवन की खोज कर रहे हो कहां पर दोस्तों? मंगल ग्रह पे चलता है. हमने तो अब शनि ग्रह जो है ना उसका भी जो उपग्रह है, शनि का जो चंद्रमा है उस पर भेज दिया है, भेजने की हम बात कर रहे हैं. नासा ने एक स्पेस मिशन जो है मल्टी रोटर व्हीकल के द्वारा हम ड्रैगन फ्लाई जो है भेजने वाले हैं दोस्तों सैटर्न के मून पर, जिसका नाम क्या है दोस्तों? टाइटन. ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने बताया ना, प्रीबायोटिक केमिकल प्रोसेस हमें ढूंढनी है कि जीवन से पहले की जो प्रीबायोटिक प्रोसेस होती है ना केमिकल प्रोसेस, वो थी या नहीं थी. मतलब हम जीवन खोजना चाहते हैं वहां पर भी. सो इसी के लिए ड्रैगन फ्लाई जो है ये प्रोजेक्ट है. दिस विल बी द फर्स्ट टाइम नासा विल फ्लाई अ मल्टी रोटर व्हीकल इन द साइंस ऑन द अदर प्लैनेट्स. ये टाइटन मैंने बताया आपका क्या करेगा, उसकी एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी को देखेगा, सरफेस प्रॉपर्टीज को देखेगा, सब सरफेस ओशियन लिक्विड रिजर्वायर वगैरह वगैरह. 2026 में लॉन्च करेगा और बात है 2034 तक ही पहुंच जाएगा. कहने की बात एक है, खाना सीधे खा लो या घुमा के यूं करके यूं खा लो, बात सिर्फ एक है दोस्तों. ये काम क्या करेगा दोस्तों? ये काम करेगा जीवन की खोज करेगा. कहां पर जाके करेगा? टाइटन. तो ड्रैगन फ्लाई याद रखना, इसका संबंध किससे है दोस्तों? टाइटन से. टाइटन क्या है दोस्तों? सैटर्न का एक सैटेलाइट है. सैटर्न क्या है? शनि ग्रह है. उसकी गर्लफ्रेंड का नाम, सबसे जो मेन खास उसकी गर्लफ्रेंड है ना उसका नाम है टाइटन. सुंदर है बहुत ज्यादा. तो उसी पर जीवन की खोज करने के लिए नासा जो है ये मिशन जो है आपका सेंड कर रहा है. ओके, समझ में आ गई बात. अगली बात करूं, अगली बात मेरे साथ चौधरी साहब के साथ अगली बात. फ्रेंड प्लीज, अरे किसने कौन रिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं बताता हूं. देखो कौन बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ. सर मुझे भी जीएफ चाहिए. अभी बनवाता हूँ बेटा तेरी जीएफ, रुक जा. यहाँ पे है नहीं मेरे सामने, नहीं तो तेरा इतने धरता मैं जीएफ अपने आप बन जाती. अबे जीएफ बनानी है, मजाक कर रहा हूँ. ठीक है, एक बात सोचो यार, पढ़ाई करो ना. आज बनाने के पीछे भागोगे. किसी महान आत्मा ने मेरे को बोला था, आज आप तुम इधर पीछे, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, अपने आप को इतनी काबिल बना दो ना कि मतलब लोग खुद अप्रोच करें आपको, आपको बनानी ना पड़े, अप्रोच करें आपको. समझ रहे हो? लाइन लगी रहे, लाइन
आपको बस सेलेक्ट करना पड़े, आपके पास टाइम ना हो, लोग आपके लिए लाइन में इंतजार में खड़े रहे पर आपके पास टाइम ना हो, ठीक है दोस्त मेरी बात मान, मैं सच बता रहा हूं आपको, ठीक है पर्सनल एक्सपीरियंस कह लो, ठीक है जब किसी के पीछे भागना शुरू कर दोगे ना, ठीक है किसी भी चीज के पीछे भागना शुरू कर दोगे वो चीज दूर चली जाएगी, ये मेटरलिस्टिक थिंक में बता रहा हूं मैं, मेटरलिस्टिक थिंक मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां पे हैं, अपने गोल के पीछे भागो वो आपकी तरफ आएगा, पास आएगा, ठीक है ऐसी चीजों के पीछे भागोगे बर्बाद हो जाओगे, कुछ मिलना जलना है नहीं। मैं बहुत लोग देखे हैं मैंने ऐसे जो इस तरीके से बर्बाद हुए बैठे हैं, सो छोड़ दो इन बातों को, कुछ नहीं रखा, काम सिर्फ एक करो, सिंपल साधारण सी बात करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना आईएएस ऑफिसर बन जाओगे ना पता नहीं कौन कौन आएंगे, कौन कौन और कैसे कैसे आएंगे, समझ रहे हो, बस 2 महीने अपने इमोशन अंदर के अंदर समेट लो, ठीक है और पढ़ाई कर लो, उसके बाद देखो फिर मेरा नाम याद करोगे, ये बात मैं बता रहा हूँ, मेरी बात याद करोगे, फिर आपके पास पता है टाइम नहीं होगा, लोग आपको अप्रोच करेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे बट आपके पास टाइम नहीं होगा, और एक अजीब सा सुकून मिलेगा, ठीक है यार चल ना करते रहेंदे, समझ रहे हो बात को, ऐसे एक सुकून मिलेगा आपको, और अगर ऐसे पीछे भागते रहोगे दोस्तों तो कुछ नहीं मिलने वाला, अब मर्जी आपकी है आपको भागना है या आपको अपने पीछे भगाना है, वो सलमान खान का डायलॉग सुना है तुमने, वो कहता है ना लड़की पैसा और ट्रेन, 3 चीजों के पीछे कभी मत भागो, तो वो बात बहुत सच्ची है, ऐसे ही थोड़ी ना सलमान खान बना है, सीख के गया भाई वो मेरे से 2-4 बातें। चलिए बीटी कॉटन की बात करते हैं, बीटी कॉटन जो है वो न्यूज में था, देखो मजा आ गया भाई, सब कितने खुश हो गए हैं सर, पर नाउ स्टडी पर फुल फोकस, हाँ अभी स्टडी पर फुल फोकस करोगे तभी बात बनेगी विनायक, बिल्कुल बहुत बढ़िया आप ही कह रहे हो, हाँ मुझे भी पता आप मजाक कर रहे थे, अब मैं कौन सा सीरियस हो रहा था, ठीक है और मेरे को पास कौन सी रखी है, मैं तेरी बनवा दूंगा, मैं खुद तेरे जैसा घूम रहा हूँ, एक वो चुटकुला नहीं सुना आपने, ठीक है मतलब ऐसे चुटकुले, मतलब डोंट टेक इट एज ऑफेंस, मतलब ऐसे हमें एक छोटा चुटकुला सुनाया जाता था, हमारे एक भगवान है तो वो खुद उन्होंने शादी नहीं की, तो ऐसे जोक बन जाते हैं ना, तो उनको बोला गया एक एक आदमी ने घोर तपस्या की, ठीक है तो भगवान प्रकट हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, भगवान प्रकट हुए भगवान से पूछा कि भगवान ने पूछा कि बता बेटा क्या चाहिए तेरे को, कह रहा महाराज एक बहुत तगड़ी मेरे को एक वाइफ दिलवा दे, मतलब या गर्लफ्रेंड बनवा दे, मेरी शादी करवा दे, ठीक है उसको गुस्सा आ गया, उसने उसके एक दिया, कह रहा बेटा अगर ये डिपार्टमेंट मेरा होता तो मैं अपनी नहीं कर लेता, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ कितने टाइम से, ठीक है उसने बोला गलत डिपार्टमेंट है, भोले बाबा का नंबर डायल कर, है ना वो तपस्या कर रहा था, तपस्या बजरंग बली की कर रहा था, बजरंग बली क्या है दोस्तों, मतलब बजरंग बली भारत में मतलब इंडिया के अंदर हिंदू धर्म के अंदर आपके ऐसे भगवान माने जाते हैं जो ब्रह्मचर्य का जिन्होंने आजीवन पालन किया है, तो जो बनाया हुआ है चुटकुला आपको ऐसे समझाने के लिए, आप मेरे से कह रहे हो सर मुझे चाहिए, तो मैं खुद बजरंग बली हूँ भाई, मेरे से कहाँ से लो, मैं खुद तुम्हारे जैसा हूँ, मैं कहाँ से, मैं भी मजाक ही कर रहा था दोस्त, टेंशन मत ले, बट अभी बस ये बात मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी बाद में सब चीज हो जाएगी, है ना, और बाकी जिन कोई इन सब बातों में दिलचस्पी है भोले बाबा का नाम जपा करो, मैंने आपको बताई हुई है जर्मनी वाली स्टोरी, भोले बाबा पता नहीं किसको क्या दे देते हैं, बहुत मस्त आदमी है, भांग के नशे में रहते हैं आधे टाइम, उन्हें पता नहीं होश ही नहीं होता किसको क्या दे दिया, तो भोले बाबा का नाम लो अगर आपको ऐसा ही करना है तो, और पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छा, ऐसे और भी चुटकुले ना, गणेश जी पे भी एक चुटकुला है, एक है जो वो कहता है कि प्रार्थना करता है तो गणेश भगवान प्रकट होते हैं, तो कहते हैं भगवान एक मेरे को ना फरारी चाहिए, एक देते हैं उसके रैप्टर, बेटा फरारी होती तो मैं चूहिया पे घूम रहा होता क्या, मैंने खुद चूहा पकड़ रखा है, मेरे पास फरारी होती मैं फरारी में ना घूमता मैं भी, ठीक है ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, तो ऐसे होते हैं, तो मेरे पास खुद नहीं है, मैं खुद मजाक कर रहा हूँ भैया आपसे, ओके चलो चलो चलो। राजकुमार बहुत सीरियस है, कह रहे सर स्टडी ऑन द टॉप, बहुत बढ़िया, ज्यादा टॉप पे भी मत लियो स्टडी को, है ना नॉर्मल रखो, ठीक है हंसी मजाक, देखो जिंदगी में सारी चीज जरूरी है, और ये बात मैं आपकी समझ सकता हूँ यार, आपकी भावनाओं को जो कह रहे थे कि सर मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है या जो जिनको बॉयफ्रेंड बना, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, यही तो टाइम है, फिर बुढ़ापे में थोड़ी ना बनेगी, बुढ़ापे में तो कुछ वैसे ही नहीं होने वाला है ना, तो अभी हो सकता है कुछ हो सकता है, तो आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, आपकी भावनाओं को मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है समझे बात को। चलिए बीटी कॉटन, बाकी आप भी लगे रहो चैट बॉक्स में, यही तो प्रयास चलता रहता है मेरा, जब भी नजर, मैं आजकल चैट बॉक्स देखना छोड़ दिया है, जब भी चैट बॉक्स में नजर जाती है वहां पर यही प्रयास हो रहा होता है ना। उमेश ने क्या बात बोली है, तू गिरकर उठता रहना, तू गिरकर उठते रहना, कभी
भी हो बस चलते रहना, ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। भाई गजब, वाह, बहुत बेहतरीन उमेश, बहुत बेहतरीन, शाबाश। देखो यार, एक बात बताऊं मैं आपको, आप लोगों से मैं सबको मैं कुछ ना कुछ सिखाता हूँ, लेकिन एक लड़का ऐसा है जो उसकी कमेंट ना हर एक उसमें आती है ऊपर, वो हर उसमें कमेंट करता है, तो मेरे को अभी नाम याद नहीं है, मैं उसकी कमेंट रोज देखता हूँ, पता है, मैं आपके कमेंट बॉक्स रोज देखता हूँ, तो उनकी कमेंट में रोज देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसकी कमेंट, हर दिन एक मोटिवेशनल बात वो ठोक के रखता है वहां पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जोश होना चाहिए, ये उम्र है यार, बुढ़ापे की तरह थोड़ी ना करोगे, अभी एज है, यंग एज में, आप भी सोचते होगे सर भी कुछ भी बोल देते हैं, है ना, कुछ भी कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कई बार जोश जोश में, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, भैया कर देंगे, एज है अपनी, एनर्जी है, फिर काहे का हम जवान किस बात के। अगर मेरी एज में और कोई बट दूसरा टीचर है जिनकी एज काफी ज्यादा है ना, तो अगर मैं इस एज में एनर्जी ना दिखा पाऊं तो फिर क्या फायदा भैया मेरे जवान होने का। तो अभी सर जवानी है तो चलेगा, और आपको भी मैं यही कहता हूँ, बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है दोस्तों, दस कीप इट अप, कीप इट अप, इसको ऊपर उठाओ, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, ठीक है। बीटी कॉटन, और कई कई आप एक मांग रहे हो, मैं कह रहा हूँ 10-10 होंगी, टेंशन मत लो, बीटी कॉटन, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सिमरन गौतम, सही कह रहा हूँ ना, काफी तजुर्बा है उनका इस फील्ड के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। बीटी कॉटन की बात मैं कर रहा हूँ, बीटी कॉटन क्या है दोस्तों, देखो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। सो अभी हुआ क्या, महाराष्ट्र के अंदर आपका एक जगह है जिसका नाम है अकोला, ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर अकोला जो है, महाराष्ट्र के फार्मर जो है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो उगा रहे हैं। बीटी कॉटन जो है अकेली ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जिसको भारत में उगाने की परमिशन है। इसके साथ और भी है, बीटी ब्रिंजल है और दो और भी है, तो दो और है जिनको हम उगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बीटी कॉटन उगा सकते हो, लेकिन ये महाराष्ट्र वाले क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये एचटी कॉटन उगा रहे हैं, और ये एचटी कॉटन जो है ये अप्रूव नहीं है, सरकार ने इसको सहमति नहीं दी हुई है, ये उगा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार ने एचटी कॉटन को अप्रूव नहीं किया हुआ और इसको वो उगा रहे हैं। और एक सिविल डिसोबिडियंस, सरकार ने मना किया लेकिन फिर भी 1,000 फार्मरों ने इसको उगाया है दोस्तों। अब फार्मरों का कहना क्या पता है, द फार्मर इन द अकोला प्लांटेड अ हर्बिसाइड टॉलरेंट वेराइटी, ये पता है क्या कह रहे हैं, कि ये जो हम आपका एचटी कॉटन बोल रहे हैं ना, एचटी कोटन जो हम बोते हैं, ये एचटी कोटन के ऊपर अगर हम वीडिसाइड भी छिड़कते हैं ना, घास वास हो जाती है ना, खरपतवार हो जाता है, उसमें अगर हम दवाई का छिड़काव कर देते हैं तो जो एचटी कोटन है ना वो खराब नहीं होती, लेकिन बीटी कोटन खराब हो जाती है। तो बीटी कोटन में या तो हम वीडिसाइड जो खरपतवार नाशक है वो हम छिड़के ही ना, और अगर हम उसको छिड़क रहे हैं या तो छिड़केंगे तो वो खराब हो जाएगी, तो या तो हमें हाथ से, तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, तो इसीलिए वो चाहते हैं एचटी कॉटन उपाय। एचटी कॉटन का फायदा क्या है कि उसमें वीडिसाइड छिड़क दोगे तो भी वो क्या होगा दोस्तों, अच्छी से काम करती रहेगी। मैंने बताया था कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती है उसमें जीन्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑल्टरेशन। जैसे अगर हम बात करें तो हमने बताया दिस वेराइटी एचटी बीटी इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ द अनदर जीन जिसका नाम है CP4EPEPSPS, ठीक है, अनदर सॉइल बैक्टीरियम जो आपको एग्रोबैक्टर एग्रोबैक्टर टूमीफेसियंस फेसियंस से मिला हुआ है, याद तो रहेगा नहीं बट फिर भी याद रख लो, कर सकते हो। द फार्मर क्लेम दैट एचटीबीटी एंड कैरेटी, ये मैंने बताई दी आपका, ये ग्लाइसोफेट जो आपका ग्लाइसो ग्लायोफोसेट जो होता है उसकी छिड़काव को सहन कर लेती है, और बट ये आपका जेनेटिकली इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जो होती है जीईसी, जो का जो इस बात को अप्रूव करता है कि ये कर्स उगा सकते हो कि नहीं, उसने इसको अप्रूव नहीं किया हुआ। बीटी कॉटन के बारे में देख लेते हैं, तो दोस्तों अबाउट बीटी कॉटन रिमेन्स द ओनली जीएम क्रॉप्स दैट इज अलाउड इन द कंट्री टू बी कल्टिवेटेड, भारत के अंदर सिर्फ यही एक फसल है जो अलाउड है जिसको आप कल्टिवेट कर सकते हो। यूएस के जायंट बेयर मोनसांटो ने इसको बनाया हुआ दोस्तों, इसके अंदर Cry1AB और Cry2BC दो जीन्स जो है हमने ऐड किए हैं, किससे, सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिंगलिसिस, क्या नाम है इसका, बैसिलस थ्यूरिंगेसिस से इसमें आपके दो जो जीन्स हैं वो ऐड किए गए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। दिस मॉडिफिकेशन कोड्स द प्लांट्स टू प्रोड्यूस द प्रोटीन टॉक्सिक टू द हेलियोथिस बोलवॉर्म, जिसको हम पिंक बोलवॉर्म बोलते हैं, तो उसका उस पर जो है उसके खिलाफ टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करते हैं। दो जीन ऐड कर दिया तो जो कीटनाशक इनसे लगते थे ना, जो इनको पहले खराब करते थे, अब ये क्या करेगी, ऑटोमेटिक उनके खिलाफ टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगी, तो वो इसमें आके बैठेंगे नहीं, वो इनको खराब कर नहीं सकते, ठीक है, ये इनका फायदा होता है। अब इसकी अप्रूवल कौन करता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है और यही इन चीजों की देखभाल करती है। इसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग होते हैं और एनवायरमेंटल के एक्सपर्ट जो होते हैं, ये कोई भी डिसीजन लेती है तो एनवायरमेंट मिनिस्टर की अनुमति के बिना उस क्रॉप को आप कल्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है।
बीटी कॉटन के अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया दो और कॉटन है जो हमने यहाँ पर, जो दो और फसल है जिनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके अप्रूव किया हुआ है, बीटी ब्रिंजल और बीटी मस्टर्ड। ओके, रावण वन, ये रावणा वन जो सैटेलाइट है ना यार दोस्तों, ये किसने लॉन्च की है? श्रीलंका ने। उसकी पहली है जो नासा फ्लाइट फैसिलिटी से उन्होंने लॉन्च की है। 1.5 किलोग्राम की ये सैटेलाइट है। इसका लाइफ स्पैन है कितना दोस्तों? एक ईयर का, एक साल का। और ये लॉन्च करने के बाद श्रीलंका ने भी आपका जो ग्लोबल स्पेस एज है ना उसके अंदर कदम रख दिया है। इसका मेन मकसद क्या होगा? अंतरिक्ष से नीचे देखना श्रीलंका कैसे। डाउनलोड कर लो, फ्री क्लास तो देखोगे। जो बच्चे पेड क्लास भी, जो पेड कोड है कोर्स है उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूं मैं, ऐप को डाउनलोड करो, अपने आप को इसमें रजिस्टर कर लो। रजिस्टर जैसे ही करोगे मोबाइल नंबर मांगेगा आपसे, दे दो, ठीक है, साथ साथ ईमेल आईडी मांगेगा, दे दो। रजिस्टर कर लिया, कोड वोड आ जाएगा। इसके बाद जब ऐप चलेगी इसमें ऑप्शन आएगा प्लस का, प्लस में जाओ, उसके बाद आएगा चूज योर गोल, गोल में यूपीएससी सीएससी, उसके बाद जाओ गेट सब्सक्रिप्शन पे, गेट सब्सक्रिप्शन पे गए, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है सर दोस्तों 24 मंथ का, ले लिया 24 मंथ का, क्यों? 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दोस्तों 92,000 रुपए का आता है, लेकिन अभी अनअकैडमी इसको 52,000 में दे रहा है। और आप इसमें मेरा कोड लगाओ सुमित10, सुमित10 लगाओगे ये कोर्स आपको कितने में मिलेगा पता है? ये कोर्स मिलेगा आपको 43,200 रुपए में। ये तो डिस्काउंट किसी भी कोड से मिलेगा। सुमित10 अगर आप यूज करते हो ना तो मैं आपको दोस्तों पर्सनल गाइडेंस गाइड करूंगा, पर्सनल गाइडेंस का मैं आपको असिस्टेंस देता हूं दोस्तों, पर्सनल गाइड मैं आपको करूंगा, मैं व्यक्तिगत आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा, ये मेरा आपसे आश्वासन है। इसके बाद सुमित10 अप्लाई कर दो, प्रोसीड टू पेमेंट, उसके बाद पेमेंट हो जाएगी। आप कार्ड से, आपका एटीएम या आपका जो कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड हो, पेमेंट कर सकते हो। फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो दोस्तों आप, अदर अदर मोड है। ईएमआई भी बन सकती है 24 महीने की, मतलब ये जो 43,200 रुपए है ना ये 24 इंस्टॉलमेंट के अंदर भी आप दे सकते हो अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो। जब ये आप आओगे पुरानी भी सारी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, नई क्लासेस भी आप एनरोल कर पाओगे, फ्री क्लास भी देख पाओगे, तो आ जाइए जल्दी से दोस्तों। साथ ही साथ में दो बार मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया दोस्तों, मेरे पास पूरा अनुभव है इस एग्जाम के बारे में। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं तो आपको कोड यूज कर रहा है सुमित10, किसी और कोड से कोई आएगा मैं उसको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चलिए दोस्तों, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दी टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।